कृषि कानूनों पर जो मैंने कहा था उस बयान को मैं वापस लेती हूँ। ये माफी उस बात की है जिसमें मंडी से सांसद कंगना रनौत ने कृषि कानूनों को लेकर एक बयान दिया था। अब वो बयान भी आप सुनिए। किसानों के जो लॉज हैं वो मुझे लगता है जो रिपीट हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए, हो सकता है कंट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉज वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए, और ताकि हमारे किसान भी जैसे बाकी जगहों पर समृद्धि हो रही है, हमारे किसान की समृद्धि में कोई ब्रेक ना लगे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा सांसद और हिंदी सिनेमा कलाकार कंगना रनौत ने अपने बयान पर यू टर्न लेते हुए एक वीडियो जारी किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर किए गए वीडियो में क्या कुछ कहा है ये मैं आपको सुनाती हूँ। नमस्ते दोस्तों, पिछले बीते कुछ दिनों में मीडिया ने मुझसे फार्मर्स लॉ पे कुछ सवाल किए और मैंने ये सुझाव दिया कि किसानों को फार्मर्स लॉ वापस लाने का प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। जब फार्मर्स लॉ प्रपोज हुए थे तो हम बहुत सारे लोगों ने जो है उनका समर्थन किया था, लेकिन बड़ी ही संवेदनशीलता से और सहानुभूति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज जो थे वापस ले लिए थे, और ये हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक, थैंक यू। मैं कृषि कानूनों के संबंध में अपनी पार्टी के साथ खड़ी हूँ और अपने शब्द वापस लेती हूँ। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा वो आपने सुना। अब कंगना ने कृषि कानूनों पर क्या कहा था वो पूरी बात बताते हैं। हिमाचल प्रदेश में अपने निर्वाचन क्षेत्र मंडी में पत्रकारों से बात करते हुए कंगना रनौत ने कहा कि मुझे पता है कि ये बयान विवादास्पद हो सकता है, लेकिन तीन कृषि कानूनों को वापस लाया जाना चाहिए, किसानों को खुद इसकी मांग करनी चाहिए। कंगना ने तर्क दिया कि तीनों कानून किसानों के लिए फायदेमंद थे, लेकिन कुछ राज्यों में किसान समूहों के विरोध के कारण सरकार ने उन्हें वापस ले लिया। सुनिए। किसानों के जो लॉज हैं वो मुझे लगता है जो रिपीट हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए, हो सकता है कंट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉज वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए, और ताकि हमारे किसान भी जैसे बाकी जगहों पर समृद्धि हो रही है, हमारे किसान की समृद्धि में कोई ब्रेक ना लगे। वहीं कांग्रेस ने भी अपने आर्टिफिशियल एक्स हैंडल पर कंगना के बयान वाला वीडियो भी शेयर करते हुए लिखा था कि किसानों पर लादे गए तीन काले कानून वापस लाने चाहिए। बीजेपी के सांसद कंगना रनौत ने ये बात कही, देश के 750 से ज्यादा किसान शहीद हुए, तब जाकर मोदी सरकार की नींद टूटी और ये काले कानून वापस हुए। अब बीजेपी के सांसद फिर से इन कानूनों की वापसी का प्लान बना रहे हैं। कांग्रेस किसानों के साथ है, इन काले कानून की वापसी अब कभी नहीं होगी, चाहे नरेंद्र मोदी और उनके सांसद जितना जोर लगा लें। कंगना ने माफी मांगकर खैर कांग्रेस को और बड़ा मौका दे दिया है क्या? ये सवाल है, क्या इसका हरियाणा चुनाव पर कोई असर पड़ेगा? कहीं इस माफी से बीजेपी की मुश्किलें तो नहीं बढ़ जाएंगी? क्या बीजेपी पार्टी कोई एक्शन लेने की तैयारी में तो नहीं है? और आप किस पर क्या राय है हमें कमेंट करके नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.